मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके साथ एक सीरीज ऑफ यू नो एपिसोड्स करूं जिसमें ये जितना आपने ये एब्जॉर्ब किया हुआ है ना वो मैं आपसे लेती जाऊं, वो हम और लोगों को सुनाते जाएं, बिकॉज रियली आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं और इतने लोगों के बारे में आप इतनी चीज़ें बता सकती हैं जो शायद हम सब जानना चाहते हैं या नहीं पता है हमें। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आप नए शो पे काम कर रही हैं? आजकल चल रहा है एक तो तेरे बिन, अदर देन तेरे बिन, मैं यही कहने वाली थी, अदर देन माँ बेगम एंड तेरे बिन एंड द क्रेजी फैंडम। तेरे बिन तो खैर भी शूटिंग तो खत्म हो गई, एक और बेचारा भी मेरा प्ले चल रहा था तेरे बिना मैं नहीं, तो वो एक्चुअली नामों की सिमिलैरिटी भी हुई और हमारे तेरे बिन ने बहुत सारे और ड्रामों को भी खा लिया। तो हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेरे बिना मैं नहीं भी बहुत अच्छा प्ले है, मैंने देखा है और उसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी रियलिस्टिक उस पर है, लेकिन इसका एक डिफरेंट समझे, दे हैव क्रिएटेड अ फैंटेसी और फैंटेसी सबको अच्छी लगती है। अब इसके बाद मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि एक अखबार में भी आया है तो मैंने फिर कहा मैं एक थिएटर की तरफ जा रही हूँ। ओके। जिसके अंदर के मेरी अकेले कुछ परफॉर्मेंस है, अब उसको स्टैंड अप तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्टैंड अप के साथ ही दिमाग में कुछ आ जाता है जो कि बाहर के मुल्कों में ये एक बड़ा वो है, या यहाँ कहते थे वन मैन शो, तो मैं तो मैन भी नहीं हूँ तो बट एक शाम मेरे साथ हुआ करेगी और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि अपने स्टाइल में लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। सो उसमें एंटरटेनिंग एलिमेंट कितना होगा और कैसा होगा, लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ, ज़ाहिर है लोगों को पता है मैं केले के छिलके पे से फिसल के तो हंसा नहीं सकती किसी को, सही बात है। सो आई नीड टू क्रिएट अ कंटेंट एंड आई नीड टू परफॉर्म इट वेल एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड से ज़्यादा टेंशन में हूँ। चैलेंजिंग लग रहा है आपको? हाँ, चैलेंजिंग लग रहा है और बहुत दिनों के बाद मैंने इस बात को अब्जॉर्ब भी किया और एक्सेप्ट भी किया। दावर जो बहुत ही अच्छे, दावर महमूद बड़े ज़बरदस्त थिएटर के डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े वेंचर्स कर चुके हैं, अनवर साहब के आंगन टेढ़ा से लेकर 14 तो पौने तो सवा तो, सही बात। और फिर वो अपने काम के बड़े, इस वक्त इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान हु कैन डू दिस, वो अग्रेसिवली एक जो जंगजू किस्म का डायरेक्टर होता है वो मेरी जान के पीछे था। भैया उनका वो ड्रामा सियाचिन का, मैं कुछ लोगों से बात की है जो उन्होंने जो उन बच्चों लड़कों के साथ किया जो सियाचिन के थे उनको बंद करके, कल ही वी वर टॉकिंग टू समबडी जिन्होंने, तो वो जो बता रहे थे तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि वो ही हाउ पर्टिकुलर ही इज अबाउट ही इज, वो खुद ही कह रहे होते हैं कि एक भूत है वो लेकिन मैं खैर उस अदर देन दैट बिकॉज वो ज़ाहिर है बच्चों को, नए बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनका अपना मेथड है, मेरे साथ ज़रा और तरह की रिलेशन है, बट मैंने उनको कहा व्हेन आई एक्सेप्ट समबडी एज अ डायरेक्टर, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, मेरी उम्र से ज़ाहिर है मेरे बच्चों की तरह ही हो, आई बिकम अ वेजिटेबल, फिर जो डायरेक्टर कहता है चाहे मुझे वो अच्छा लगे या ना लगे, व्हेन आई एक्सेप्ट समथिंग व्हेन आई हैव टू डू इट। सो मुझे पता है वो अपने अपना क्राफ्ट जानते हैं और मैं और वो मिलकर कुछ डिवेलप करेंगे, और मैंने उनको कहा तो मुझे आराम से बताना ये चीज़ मज़े की है और ये चीज़ नहीं है, आई एम रेडी फॉर दैट। सही बात है। सो लेट्स होप क्या होता है। सिर्फ एक चीज़ उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी, आप लोगों ने ये सोचा कि जनरेशन जी जिनको हम बोलते हैं उनके टेस्ट को, उनके अल्फाज को, उनकी कुछ चीज़ों को भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या फिर ये थोड़े से मैच्योर? देखिए मैं एक बात कहूँ जो कि मुझे लगता है कि ओल्ड स्कूल जो है ना, वो हमारे यहाँ जो कॉमिक काम भी हुआ है टेलीविज़न का, मैं कहूँगी फिल्म में तो बहुत ही बच्चों के लेवल पे होता था, कोई मोटा था तो हंस पड़ते थे, कोई फिसल जाता था, किसी के नलके से पानी नहीं आ रहा था, हंस पड़े थे, उस वक्त तो मासूम लोग थे। टेलीविज़न पे जो ह्यूमर हुआ है उसके अंदर उसके कंटेंट में कोई एक सेंस होता था और बहरहाल सेंसरशिप तो थी ही थी उसमें। अब ये आप ओल्ड स्कूल कहें या मुझे नहीं पता इसको क्या कहें, बेसिक लेवल की तहजीब जो थी वो रहती थी उसमें ना, वो अच्छी चीज़ थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देख रही हूँ पिछले दिनों से स्टैंड अप्स देख रही हूँ बाहर के यहाँ के भी, उस पर ज़बान पे अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा। अब अगर उसको यूथ कहे कि ये लेटेस्ट है या ये कूल है या ज़रूरी है बिलो द बेल्ट मजाक करना या रिलीजियस रिलेटेड मजाक करना या आई मीन इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो अगर उस पर हंसी आती मुझे समझ में ये नहीं आता सीरियसली, वैसे भी अदरवाइज़ अब नहीं, पहले भी ऐसे होता था कई दफ़ा लोग गंदे जोक्स पे हंसते थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी कोई बन रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे एक बात कर रही हूँ, लोग गंदे लफ्ज़ों पे हंस रहे होते थे, गंदी गालियों पे भी लोग हंसते हैं, बुरी बातों पे भी लोग हंसते हैं, हंसी आती होगी, हमें क्यों नहीं आती? ये नहीं कि हमारे घर में कोई डंडा लेके हमारे सर पे खड़ा था कि खबरदार। उसके अलावा भी मैं तो बड़ी दिलचस्प औरत हूँ, मेरे पास तो जो मेरे दोस्त बैठते हैं हम लोग बहुत मज़ा करते हैं, कोई मेरी कंपनी में बोर नहीं होता, मैं कोई गंदा लफ्ज़ नहीं बोलती, मैं कोई गंदी गाली नहीं देती, ज़रूरत क्या है गंदी चीज़ों के नाम लेने की, समझ नहीं आता कि मतलब क्या।
तो वो मैं सॉरी इस तरफ आ गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इसको आप लेटेस्ट ट्रेंड समझते हैं टू टॉक अबाउट एनीथिंग, जेंडर, सेक्स, रिलीजियस एलिमेंट्स, वो चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रा डिक्शनरी से थोड़ी बाहर हैं. कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनके पर आप बात कर सकते हैं, मगर बहुत ही एक मोहतात अंदाज़ में, तो वो शायद कॉमिक नहीं होते. मसलन मिसाल के तौर पे ऐसे ही मैं कह रही हूँ, अगर हम ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाएंगे और किसी को हंसी आएगी, आई डोंट लाइक इट. मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों हम हर वक्त हर फिल्म हर ड्रामे में एक आदमी को ट्रांसजेंडर बना के और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको झुकते मारते हैं. व्हाई नहीं होना चाहिए? ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. ऐसा ये जैसे पुराने ज़माने में नाबीना के साथ लोग मजाक करते थे, जो लंगड़ा रहा होता था उसके साथ मजाक कर रहे होते थे, किसी का हाथ टूटा होता था उसको टुंडा कहते थे. आई मीन ये अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स में चीज़ें आ रही हैं या इसके जैसी आ रही हैं, तो वो तो मेरे पास नहीं है. ओके नहीं, और जो ऑडियंस मुझसे मिलने आएगी उनको पता है कि मैं ये काम नहीं करती. नहीं, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने ये क्लैरिफाई किया, एंड मेरी आपसे यही उम्मीद है और मैं खुश हूँ कि आप ये कह रही हैं. बिल्कुल ये मेरा मतलब नहीं था. मेरा मतलब सिर्फ ये था, एंड जनरेशन जी को मैं थोड़ा सा डिफेंड भी कर लूँ इसमें, इन टर्म्स के टर्मिनोलॉजीज वो क्या यूज़ कर रहे हैं या रेफरेंसेज वो क्या यूज़ कर रहे हैं, बस इस तरह मेरे जहन में. देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखें एक मिनट, अगर मैं कहें जी आपदा पर इनका कहीं गाना है, बड़ी सिंगर है और अब ज़माने के साथ उनको चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा ना. आपदा परवीन को जो सुनने आएगा, आप बच्चे हैं, आपसे भी छोटी जनरेशन उनको प्यार करती है, वो कैसे इस वक्त कहेंगी कि रिस्क को दीवाने, वो तो नहीं कर सकती ना. आपने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया मेरे सवाल पे. आप खुद ही सोचे, फरीदा खानम आई या नहीं, नहीं सॉरी, इवन फॉर दैट मैटर अगर ताहिरा सैयद आई है तो ताहिरा सैयद तो यूं ही गाती है ना. हां बिल्कुल, आप यही सो देखने तो आए हैं ना. और अगर आपको नहीं देखना वो कैसे करेंगे, ओह वो तो नहीं करेंगे ऐसे. तो मैं तो जो करती आई हूं सही है, वो देखने वही लोग आएंगे जो कुछ को जानते हैं. जस्टिफाइड, सही कह रही हैं आप. माय अपोलॉजीज, मुझे सोचना चाहिए था. नहीं नहीं, आपने बात सही पूछी. नहीं नहीं नहीं, आप किसी की एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि मैं सेवन अप की बोतल मुंह से खोल लूं. नो अनवर साहब, मैं, मुईन, उमर शरीफ, इवन देखें उमर शरीफ अलग काम करते थे बिल्कुल, और उनका लगता बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, लेकिन कभी आपने एक लफ्ज भी उनके मुंह से बुरा नहीं सुना. मैं लच्चर का लफ्ज भी नहीं यूज करूंगी. मुइन तो करते ही नहीं थे, अनवर साहब भी नहीं करते थे, मैं भी नहीं करती. आप अगर उमर शरीफ को, हम लोगों से वो अलग तरह का काम करते थे, चलो थोड़ा औरतों को ऐसे कर लेते थे कि मेकअप लगाती है तो ये होता होता है, बट गंदी बात कभी की नहीं उन्होंने, ना गंदा लफ्ज नहीं यूज़ किया. मैं इसको गंदा ही कहूँगी, बुरा नहीं. सही है, तो चीज़ें आपको पता होती हैं आप कहाँ तक जा सकते हैं. किसी का दिल चाहे तो आ जाए मुझसे मिलने, अगर किसी का दिल चाहे वो बातें सुनने का तो चला जाए कहीं और. सही, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस हैं और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है. मैं तो सुनती रह जाती हूँ, इसको याद नहीं रहा ये क्या कह रहा है. हमारे सेट पर कई दफ़ा, हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं और वो बात करते करते एक जैसे बम्बैया लैंग्वेज में कुछ होते हैं ना लफ्ज़ जिनका ख्याल नहीं रहता और वो अब आपकी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की लाइफ में नहीं है. मैंने उनको मना नहीं किया, लेकिन शुक्र है उन्होंने ना. मेरी नीसेस बोलती हैं वो लफ्ज़, अरे कोई आराम से एक लड़की कह लेगी, बस मैं दोहरा नहीं सकती. मैं वहाँ गई फिर ये हुआ तो अल्लाह मेरे तो मैंने कहा ये कह दिया, इसको याद नहीं कि मैं भी बैठी हूँ. मैंने कहा अच्छा अच्छा